हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिद्धू का ट्वीट, नवाज की मां के पैर में नाक रगड़ने वाला सिखाएगा मुझे देशभक्ति। कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि अब नवाज की मां के पैर में नाक रगड़ने वाला सिखाएगा सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को देशभक्ति। अब क्या अंबानी अडानी का वकील सिखाएगा क्रांतिकारी सरदार भगवंत सिंह सिद्धू के बेटे को देशभक्ति। चोर करे तो डिप्लोमेसी, क्रांतिकारी का बेटा करे तो देशद्रोह। अपने इस ट्वीट के साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने हैशटैग चोर चौकीदार चोर है का टैग भी इस्तेमाल किया है। अपने इस ट्वीट के साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी की पाकिस्तान यात्रा का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि नवाज शरीफ के जन्मदिन पर पीएम मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंच गए थे और इस दौरान उन्होंने नवाज शरीफ के मां से भी मुलाकात की थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने इसी बात को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान ही सिद्धू ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि क्या पीएम को इस बात की ईर्ष्या है कि उनको इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया? क्या उनको इस बात की ईर्ष्या है कि वो बिना बुलाए नवाज शरीफ के जन्मदिन पर पाकिस्तान गए? मैं उन लोगों के सामने अपनी देशभक्ति साबित नहीं करूंगा जिनका नाम गोधरा कांड में आ चुका है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू कुछ समय पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पड़ोसी देश गए थे। इसके बाद से ही वह आलोचकों के निशाने पर है। अब सिद्धू ने भी पलटवार किया है और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और पीएम मोदी पर तीखा हमला कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सिद्धू ने नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी, राफेल डील और महंगाई जैसे मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है और आज चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। पाकिस्तान की जेल में बंद है भारतीय इंजीनियर, बीजेपी नेता ने सिद्धू से लगाई रिहा कराने की गुहार। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की मुंबई इकाई के एक नेता ने गुरुवार को पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से पाकिस्तान की जेल में बंद मुंबई के एक इंजीनियर की रिहाई सुनिश्चित करवाने की अपील की है। उसे अगले महीने रिहा किया जाना है। अंधेरी के 27 वर्षीय युवा हामिद नेहाल अंसारी पर 12 नवंबर 2012 को अफगानिस्तान के रास्ते अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करने का आरोप है। भाजपा के कार्यकर्ता पूर्व कांग्रेस विधायक कृष्णा हेगड़े ने कहा, हामिद अंसारी जो कि पाकिस्तान में जेल की सजा काट रहे हैं, उनकी रिहाई जल्द करवाने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान से बातचीत करने का विनम्र आग्रह है। हामिद की सजा दिसंबर के मध्य में पूरी होगी। उसकी रिहाई उसके बुजुर्ग माता पिता को काफी राहत और खुशी प्रदान करेगी। अंसारी खबर पख्तू तनख्वाह में करक के एक दोस्त द्वारा दिए गए फर्जी पहचान पत्र से पाकिस्तान में प्रवेश कर गए थे और कुछ दिनों तक उनके साथ रह रहे थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने कुछ दिनों बाद कोहाट शहर के एक होटल से उसे पकड़ लिया। दिसंबर 2015 में एक सैन्य अदालत ने उसे देश विरोधी गतिविधियों और जासूसी करने का दोषी पाया। अंसारी ने हालांकि आरोपों से इनकार किया और पेशावर उच्च न्यायालय में अपनी दोष सिद्धि को चुनौती दी, जहां पाकिस्तान सरकार ने कहा कि जैसे ही उसकी जेल की सजा पूरी हो जाएगी उसे उसके देश भेज दिया जाएगा। हेगड़े ने
IANS से कहा, हमने विदेशी मंत्री सुषमा स्वराज से भी इस बाबत अपील की। उन्होंने हमें सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। पाकिस्तान ने हामिद को दूतावास संबंधी सहायता या उसके माता पिता को वीजा देने से इनकार कर दिया है। करतारपुर कॉरिडोर, नवजोत सिद्धू ने की पीएम इमरान खान की तारीफ, बताया प्यार का फरिश्ता। लंबे इंतजार के बाद सिखों के धर्म स्थल करतारपुर साहिब के कॉरिडोर का शिलान्यास हो गया। पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री इमरान खान, पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, हरदीप सिंह पुरी और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर नवजोत सिंह सिद्धू भावुक दिखे। पाकिस्तान की इस पहल के बाद सिद्धू ने पीएम इमरान खान को प्यार का फरिश्ता बताया। इमरान खान की तारीफ में सिद्धू ने जमकर कसीदे पढ़ी। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, प्यार और खुशहाली का फरिश्ता बनकर मेरा यार इमरान खान जीवे। सिद्धू ने आगे कहा, बहुत नुकसान हो गया है, बहुत आगजनी हो गई है, कोई इस आग को बुझाने वाला चाहिदा है, कोई इस पर पानी डालने वाला चाहिदा है। सिद्धू ने कहा, जब भी इस द्वार का इतिहास लिखा जाएगा, पहले पन्ने पर आपका नाम लिखा जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर भी करतारपुर कॉरिडोर की शिलान्यास समारोह में उपस्थित थी। हरसिमरत कौर इस मौके पर भावुक हो गई। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह धार्मिक यात्रा है, न कि राजनीतिक या कूटनीतिक। यह सब गुरु नानक देव जी की कृपा से संभव हुआ। मैं गुरु साहिब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना और मैं उनके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आ पाऊंगी। गुरुजी, गुरु नानक ने ही यहाँ बुलाया है। यह सब बाबा गुरु नानक का चमत्कार है। उन्होंने कहा, अगर बर्लिन की दीवार को झुकाया जा सकता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच शांति भी हो सकती है। उन्होंने कहा, यह जो आज संभव हुआ है वह दोनों देश की सरकार की कोशिशों का नतीजा है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में दोनों तरफ शांति रहेगी। दूसरी ओर केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान द्वारा इस पहल के बाद कहा कि इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान ने पहली बार सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे दोनों देश में बात हो पाएगी। आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। बता दें कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में अपने जीवन के 18 साल बिताए थे। करतारपुर साहिब में ही उनका निधन साल 1529 में हो गया था। भारत में स्थित गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक में लगी दूरबीनों से करतारपुर गुरुद्वारे को देखा जा सकता है। राज बब्बर के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का पीएम पर निजी हमला, बोले मोदी लहर अब मोदी जहर बन गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद विवादों के घेरे में आए कांग्रेस नेता एवं पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निजी हमला और विवादास्पद बयान दिया है। सिद्धू ने कहा है कि मोदी लहर अब मोदी जहर बन गई है। बता दे कि दशहरा के मौके पर अमृतसर रेल हादसे के बाद अपनी पत्नी का बचाव करने के दौरान भी सिद्धू की आलोचना हुई थी। पीएम पर निजी हमला करने के बाद सिद्धू भाजपा नेताओं के निशाने पर आ सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, जो विश्वास था मोदी साहब पर वह चकनाचूर हो गया है। जो लहर थी 2014 की, वह आम आदमी पर कहर और जहर बन गई है। मोदी साहब बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए हैं। सिद्धू
आए दिन विवादित बयान देते हैं। इसके पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा के गले मिलने पर उनकी खूब आलोचना हुई। अपनी पाकिस्तानी यात्रा के दौरान वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के गले लगने की घटना को भी उन्होंने जायज ठहराया। उन्होंने कहा, मेरी झप्पी कोई साजिश नहीं थी, यह राफेल सौदा नहीं था, मैंने तुम्हें गले लगाया, क्या यह साजिश है क्या? अगर कोई मुझे बता दे कि वे करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए तैयार हैं, मेरा मतलब है कि उन्होंने 400 बार कहा कि हम कॉरिडोर खोलने के लिए तैयार हैं, तो इस तरह मैं अपना स्नेह दिखाता हूं, मैं गले लगाऊंगा और उन्हें चूमूंगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कसौली में लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को दक्षिण भारत से बेहतर बताया। उन्होंने कहा, मैं जब साउथ जाता हूँ तो ना भाषा समझ आती है, ना खाना अच्छा लगता है, वहाँ का कल्चर पूरी तरह से अलग है, लेकिन जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो भाषा एक जैसी है, वहाँ सब कुछ अद्भुत है। इमरान खान ने बांधे सिद्धू की तारीफ के पुल, बोले पाकिस्तान में चुनाव जीत सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने मित्र और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सिद्धू के पाकिस्तान के पंजाब में इतने प्रशंसक हैं कि वह आसानी से यहां चुनाव लड़े तो जीत सकते हैं। खान ने शपथ ग्रहण में आने के लिए भारत में हुई सिद्धू की आलोचना पर आश्चर्य जताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को कहा कि हिंदुस्तान में पंजाब सरकार के मंत्री और पूर्व सलामी बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू की खूब तारीफ की। इमरान के शपथ ग्रहण में जाने के कारण आलोचना झेलने वाले सिद्धू को पाक पीएम ने लोकप्रिय नेता बताया। खान ने कहा कि सिद्धू यहाँ इतने लोकप्रिय हैं कि अगर वे यहाँ चुनाव में खड़े हो जाए तो जीत जाएंगे। सिद्धू ने भी पूर्व क्रिकेटर और मित्र इमरान खान की तारीफ में शेरो शायरी की। कांग्रेस नेता सिद्धू ने अपने मित्र खान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। बाद में सिद्धू की पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से गले मिलने पर आलोचना की गई। खान ने कहा, मैंने सुना है कि जब सिद्धू शपथ ग्रहण समारोह के बाद वापस गए तो उनकी बहुत आलोचना हुई। मुझे नहीं पता कि उनकी खिंचाई क्यों की गई, वह सिर्फ दो देशों के बीच शांति के बारे में बात कर रहे थे। पाक प्रधानमंत्री ने कहा, किसी के लिए यह सोचना मूर्खतापूर्ण है कि दो परमाणु शक्ति वाले देशों के बीच युद्ध हो सकता है क्योंकि कोई जीतेगा नहीं। यदि कोई युद्ध नहीं हो सकता है तो दोस्ती के अलावा दूसरा रास्ता क्या है? उन्होंने मजाक में कहा, मुझे आशा है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के लिए सिद्धू के प्रधानमंत्री बनने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खान ने कहा कि पाकिस्तान में विशेष रूप से यहाँ के पंजाब प्रांत में सिद्धू के इतनी तादाद में प्रशंसक हैं कि अगर वह यहाँ चुनाव में भाग लेते हैं तो वह जीत जाएंगे। क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू के बारे में उन्होंने मजाक में कहा, वह आ सकते हैं और पाकिस्तान के पंजाब में चुनाव लड़ सकते हैं, वह जीत जाएंगे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।